नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण नांदेड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आलेले आहे। या ठिकाणी मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू मौलाना कलीम सिद्दीकी साहेबांना ज्या पद्धतीने ATSनी खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकून त्यांना खोटा गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात घातलेले आहे, या सरकारविरोधात आज सर्व मुस्लिम समाजाचे सर्व पक्षाकडून व सर्व संघटनेकडून आज एक दिवसीय धरना आंदोलन करण्यात आले। आपल्यासोबत आज मौलाना आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की त्यांची मागणी काय आहे। मुस्लिम समाजावर अन्याय होतो, परंतु हा धर्मगुरूवर पहिल्यांदाच नाही, अनेक वेळ मुस्लिम समाजाला टार्गेट केले जातात, परंतु याचा उद्देश काय आहे आणि हा मौलानांची मागणी काय आहे। आज जो धरना दिया गया तो इसका क्या कारण? इस धरने के जरिए से हम हुकूमत हिंद से और यूपी गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो कि सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के भी चहेते हैं और गैर मुस्लिमों में भी वो बहुत अच्छा मैसेज देते हैं और मोहब्बत का पैगाम दुनिया में आम कर रहे हैं, ऐसे मोहब्बती आदमी के ख़िलाफ़ आज यूपी ATS ने उनको गैर कानूनी तौर पे अचानक रातों रात गिरफ़्तार करके इस बात का सबूत दिया है कि यूपी पुलिस के और गवर्नमेंट अपना सियासी खेल खेल रही है इसके पीछे। और हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द मौलाना की रिहाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द मौलाना को ज़मानत मिलनी चाहिए, वरना इमाम कौंसिल पूरे मुल्क में मुसलसल धरने आंदोलन करती रहेगी और पूरे आवाम इसके ख़िलाफ़ गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उलमा इकराम आवाम को सब्र की तलखीन कर रहे हैं, वरना ये मामला उछलता है तो बहुत आगे चल जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को होश के नाखून लेना चाहिए। क्या कारण था जिस तरीके से उलमाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो टारगेट किया गया, तो इसकी वजहात क्या थी? कोई वजह नहीं है, बिला वजह के उनको गिरफ़्तार किया गया है, सिर्फ शक की बुनियाद पर। जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को दहशतगर्दी में के इल्ज़ाम में 10-10 साल 20-20 साल जेलों की सलाखों के पीछे डाला गया, उसके बाद वो मुसलमान बाइज्जत बरी होकर आए, कोई सबूत हुकूमत ने और पुलिस ने पेश नहीं कर पाई, अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं। इसी तरीके से मौलाना के ख़िलाफ़ भी बिला वजह के उनको जो है जेल के पीछे डाला गया है और उनको अरेस्ट किया गया है, इसमें कोई वजह नहीं। ऐसा भी आरोप लगाया जाता था कि कुछ हिंदू लोग हैं वो इस्लाम कबूल करते थे, तो उसका एक डर खौफ तो नहीं था इन लोगों को? कई हिंदू लोग ऐसे हैं जो अपना सबूत पेश कर रहे हैं कि हमने अपने तौर पर इस्लाम कबूल किया है, हमको किसी ने इस्लाम कबूल नहीं कराया है और ना मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कराया है और ना ही किसी ने कराया है, हम अपने तौर पे पढ़ के नॉलेज लेकर इस्लाम कबूल किए हैं। तो लिहाजा इसमें हरे अपना हिंदुस्तान का आइन दफ़ा 125 ये कहता है कि हर एक को अपने अपने मज़हब कबूल करने की और बदलने की आज़ादी है, इसमें किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और क़ुरान में इस्लाम ने ये कहा है कि ला इकराह फिद्दीन, किसी के मज़हब को तब्दील करने की कोई जो है ज़बर और ज़बरदस्ती नहीं है इस्लाम में। ऐसा भी देखा जाता है कि हमेशा जिस तरीके से हुकूमत आई हुई है BJP की, तो मुसलमान के नौजवान बच्चों को भी टारगेट किया गया जो कि बेगुनाह निकले, उसके बाद रिजल्ट तक आया तो बेगुनाह हुई है और उसको अतरीकी है बोल कैसा उनको फंसाया जाता है। अभी पिछले दिनों नांदेड़ में 5 बच्चे जो है आज से 10 साल पहले गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जब उसका केस लड़ा गया 10 साल के बाद वो 3 बच्चे अभी बाइज्जत बरी हुए हैं और 2 बच्चे अभी बाइज्जत बरी होने वाले हैं। गोया कि इनके ऊपर इल्ज़ाम दहशतगर्दी का डाला गया था, हालांकि इल्ज़ाम कोई प्रूव नहीं हो पाया, अदालत ने प्रूव ना होने की बुनियाद पे उनको बाइज्जत बरी किया है। ऐसे हिंदुस्तान में हज़ारों बच्चे हैं जो बाइज्जत बरी हो रहे हैं और कई तंजीमें उसमें जो है उसका केस लड़ रही है और ऐसे बाइज्जत बरी नौजवानों को सपोर्ट कर रही है। जो जो भी इस साजिश को समझ रहे हैं उन तमाम तबकों को भी हमको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब चर्चों पे हमले हुए ईसाइयों के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, वो धर्म बदलवा रहे हैं, यही इल्ज़ाम देकर चर्चों पे भी हमले हुए, ईसाई भाइयों पे हमले हुए, तब पूरे मुल्क के अंदर खामोशी और सन्नाटा रहा था।
आज हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, लेकिन इस मुल्क के अंदर दिगर जो मजहब है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो भी लोगों को उनका मजहब अगर वो उनको बराबरी का दर्जा नहीं देता है, भेदभाव करने वाला होगा, तो उनको इस मुल्क का दस्तूर उस मजहब को छोड़ने का पूरा इख्तियार देता है। इसलिए कोई धर्मांतरण अवैध नहीं हो सकता, वो संविधान का मूलभूत अधिकार है, वो संविधान का आर्टिकल 25 है। अगर ये संविधान का आर्टिकल 25 को हटा दिया जाएगा तो इस मुल्क के अंदर दूसरा कोई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पैदा नहीं होगा। जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस मुल्क के अंदर जाहिर कहा था, मैं हिंदू बोलकर पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, मरने के पहले हिंदू धर्म को त्याग दूंगा, ये कहने वाले बाबा साहब का अगर ये इख्तियार जो था उनको, उनका हिंदू धर्म छोड़ने का अधिकार जो था, उनको नया धर्म कबूल करने का अधिकार जो था, वो अधिकार आर्टिकल 25 संविधान का देता है। जिसको जिसको अपना मजहब गैर बराबरी का लगता है उसको अपना मजहब छोड़ने का इख्तियार आर्टिकल 25 देता है। अरे आपके मकान के अंदर अगर पानी गिर रहा है, आपके मकान में धूप आ रही है, आपका मकान अगर किसी की हिफाजत नहीं करता है तो सड़े हुए गले हुए मकान को छोड़कर बाहर निकलना उनका मूलभूत अधिकार है, वो संविधान उनको इख्तियार देता है। आपको ये शक है, आपको ये तकलीफ है, आपको ये दर्द हो रहा है कि क्यों यहाँ मुल्क के अंदर के लोग ईसाई मजहब में जा रहे हैं, क्यों इस मुल्क के लोग मुस्लिम मजहब में, इस्लाम मजहब में जा रहे हैं, तो आप अपने मजहब के अंदर की गैर बराबरी की वजूहत को दूर करो। अरे हमारे मकान को देखकर जलने की बजाय अपने मकान को दुरुस्त करो, नहीं तो उसको तोड़कर एक अच्छे मकान में शिरकत कर लो। यहाँ बराबरी का दर्जा देने वाला हमारे बुजुर्गों ने, बराबरी का दर्जा देने वाला, बराबरी का नजरिया देने वाला, बराबरी का रवैया देने वाला एक दुनिया का बेहतरीन मजहब हमारे बुजुर्गों ने कबूल किया था, और वो इख्तियार हमको कल भी था, आज भी है, आने वाले दौर में भी रहेगा। अरे आप उलेमाओं को कैद करके अगर बंद करना चाहते हो तो याद रखो, अंग्रेजों की गिरफ्त से इस मुल्क को आजाद कराने का तुम ख्वाब नहीं देख सकते थे। 60,000 से ज्यादा उलेमाओं ने पहले अपनी जाने न्योछावर की, तभी मुल्क आजाद हुआ है। तुम्हारे मन में जोर नहीं है पराई ताकतों के खिलाफ लड़ने का। अरे उलेमाओं की सरपरस्ती को बरकरार रखो ताकि दोबारा अगर मुल्क गुलाम हो जाएगा तो आजादी के लिए इन्हीं उलेमाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात कि इस मुल्क के मिट्टी में सभी का खून है, लेकिन पहला खतरा हमने बहाया है, पहला खतरा उलेमा ने बहाया है, पहला खतरा हम आगे बढ़ाते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार से लेकर उलेमाओं की शहादत ये दिखाती है कि पुख्ता ईमान वाले हैं जो मौत को डरे बगैर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। अरे ईमान वालों को कैद कर दोगे, अपने मुल्क को गुलाम मत बनाओ, ये आगाह करता हूँ। और मैं आपको भी कहता हूँ, बेदार हो जाइए, हमारे हम वतन भाइयों को लेकर बेदार हो जाइए। हर लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, हम किस हथियार से लड़ेंगे ये हम नहीं हमारा दुश्मन तय करेगा, हम किस हथियार से लड़ेंगे ये हम नहीं हमारा दुश्मन तय करेगा, वो जमहूरी तरीके से जुल्म करेगा तो जमहूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा, वो जिस तरीके से सवाल करेगा वैसा ही इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जिस तरीके से आज धर्मगुरु पर जिस हमला किया गया, मतलब अटक किया गया, उन पर झूठा इल्जाम लगाएगा, ये तो सिलसिला चलते आया था, मगर ये क्या कारण हो सकता है कि सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम मारना, और क्या है। जिस वादे के साथ में गवर्नमेंट आई थी वो कुछ ज़मीन पर दिख रहा आपको, कुछ नहीं आ रहा। अब लोगों में, पब्लिक में चर्चा है इस बात की कि कोई वोट है, आड़ाने की बोट है, उसमें क्या 9,000 करोड़ का कुछ तो भी उसमें हीरोइन है, और वो नशा करने वालों को सप्लाई की जाती थी, और कब से चढ़ाई की धंधा ये। अब ऐसे पकड़े गए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई गोदी मीडिया ये चीज़ को लोगों तक ना पहुंचे सच्ची कहानी, हो सकता है मौलाना के बीच में डाले होंगे, चलो भाई कन्वर्ट करने के लिए पूरे लोगों के दिमागों को, मुझे ऐसा लग रहा। जी, जिससे पहले लॉकडाउन में भी काफ़ी पिछले साल जमात पे और मौलाना दारुलूम पर जिस तरीके से प्रोपेगंडा किया था, आपने समझ रहे, वो असल मौलाना साहब या जमात वालों का गलतियाँ नहीं थी, उनके ऊपर जो है अपने कमी का
और जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए और वो नाकाम हो गए। और कोरोना के पीरियड में उन्होंने जो है जैसा लोगों की मदद करना चाहिए थी, गवर्नमेंट मदद नहीं कर सकी, तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने जो है मौलाना शाह साहब के ताल्लुक से चलाए, जमातियों के ऊपर भांडा फोड़े। जो कोर्ट भी बोला ये बात, तो बलि का बकरा बनाया गया, आपको नहीं मालूम क्या ये बात? फिर हमको एक पूछ रहे, जिस तरीके से आज जो मौलाना पे इल्जाम लगा कर उनको अटक किया गया, तो इनने इनका क्या रोल था, इन्होंने क्या बिगाड़ा? जैसे ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम जो देखते हुए, इस्लाम को देखते हुए अगर मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे थे, इसका तो कारण मुस्लिम तो भागवत है, तो मोहन भागवत को भी निमंत्रण दिए थे, तो इसका तो नहीं। मोहन भागवत साहब से उनकी मुलाकात हुई थी और मोहन भागवत के पास जो है कोई अचानक कोई नहीं पहुँच जाता, प्लानिंग के साथ में दावत थी होंगी या कोई प्रोग्राम था, ये उनकी मुलाकात का ये जो गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल वो तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो मोहन भागवत हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक पार्टी के जो है वो है, एक वो नॉन रजिस्टर्ड है बोलते, वो RSS का को जो संचालक का जो भी काम है। खैर आप जहन मत रखे, उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है। जैसा गैर मुस्लिम जो है इस्लाम कबूल करते थे, मुस्लिम में आते थे, तो इसका तो इनको नहीं है कि कहाँ ऐसा ना हो जाए कि इस्लाम पूरा तरीके से बढ़ जाए। देखिए इस्लाम बढ़ रहा होगा, इस बात हो सकता है कबूल करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि भाई पैसे देकर या कुछ ऐसा जबरदस्ती करके, ऐसा तो सुनने में नहीं आया हमारे। नहीं, जिस तरीके से संविधान भी बताता है कि अपने समाज का प्रचार प्रसार कर सकते ना, कर सकते ना, वो तो हर एक कर सकते हो, तो क्रिश्चियन समाज भी कर सकता है, हिंदू धर्म भी कर सकते हैं, वो तो बात आप तो बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए आगरा में और जो है वो ऐसा लोगों को भेज भेज के जो है उन्होंने कन्वर्ट करा लोगों को। हर एक जिसमें जो है जिसका मज़ा प्यारा है, जिसका मज़ा अच्छा है, वो अपने अपनी कोशिश करे, लोगों की मर्जी है अपने दिल से कहाँ जाए कहाँ ना जाए। जिस तरीके जज्बा बाकी है बोलकर ही इतने आज भी आज से 20-25 हज़ार के दिन इसके जद में आए जी, स्टेज से आपने खुद फरमाया, इसके बाद अब आलिम दिन पे बात आई जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि आंदोलन होते बाद में आंदोलन खत्म हो जाते, फिर उसका पार्ट पूरा नहीं होता, बहुत सारे आंदोलन जी जी सही बात। कलीम सिद्दीकी साहब भी रहा होंगे नहीं होंगे आंदोलन के बाद का स्टेप क्या रहेगा? बाद के स्टेप ऐसे धरने होते रहेंगे और लोगों में जागरूकता पैदा करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। नहीं हो रही आपके धरनों की मेरी नजर में, हां प्रशासन के पास आपके देख, उसके लिए पावर जरूरी है, सत्ता जरूरी है, सत्ता बिना शान नहीं। हम लोगों ने 500 हज़ार मार रोड में अगर किसी को गधे को खड़ा कर दिए होंगे, वो गधे जो फैसला करेंगे उसको मानने पड़ेंगे आपको। विश्वास से बेहतर यह है कि अच्छे लोगों को चुन के दो, अच्छी पार्टी को वोट दो, तो लोग भी अच्छे लोगों को पार्टी को वोट देंगे। हम इंसान को वोट ना दे बल्कि अच्छे इंसान को वोट दे और ऐसे लोगों को वोटिंग करके लेकर आए जो कौम का दर्द रखते हैं। जिस तरीके से नौजवान बच्चों को भी झूठे इस्लाम में फंसाए और उसके बाद वो बेगुनाह वो रिहा हो गए, लेकिन उनके ताल्लुक से उनको भरपाई नहीं हुई, उनकी इज्जत की भरपाई नहीं हुई, उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई। और मीडिया तो खूब चिल्लाता भाई, समझे कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, गिरफ्तार हो गए, उनका लश्कर तैयबा से था फलां था, लेकिन जब रिहा हो जाते ना, मीडिया कौन से जाके बिल में बैठ जाता और कौन से सुराख में जाके बैठ जाता मालूम ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि भाई जो जिसकी इज्जत गई, जिसके बाल बच्चे दूर हो गए, जिसकी ज़िंदगी 10-20 साल जेल में गुजरी, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई दिखता नहीं। क्या आप लोग भी आवाज़ उठाते नहीं, क्या वजह है इसकी? आप लोग आवाज़ उठाना चाहिए जी। इसके लिए जब मौलाना आपके साहब सिद्दीक साहब के जो हुआ ऐसा और भी नहीं होना, इसके लिए उलमा और इसके लिए भाई एक ही है कि जब भी कहीं पर जुल्म होता है तो फौरन उसके खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए और कम्युनिटी होना चाहिए, अपने अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, चाहे किसी भी समस्या क्यों ना हो, जहाँ पर भी अत्याचार हो, किसी भी समस्या क्यों ना हो, आपको उठ के उसके आवाज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। वहाँ ज़्यादा बिरादरी पार्टी नहीं देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब मेरे भाइयों। मैं एक बात आपसे ये कहूँ कि हम अगर TV और न्यूज़ चैनल को छोड़कर हम प्रैक्टिकली लाइफ में आए तो हिंदू और मुस्लिम में जितनी मोहब्बत है, जिस तरह हम अपने आपस में मोहब्बत में रहते हैं, उस पॉइंट को हम देखें, ना कि जो आज जो नेशनल TV पर जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो एक आध्यात्मिक शख्सियत है, एक आध्यात्मिक पर्सनैलिटी है, रूहानियत गुरु है, जिन्होंने उस परमेश्वर ईश्वर का परिचय कराया है। और उन्होंने अपने कई बयान में कहा, मानी मोहम्मद पैगंबर की वो हदीस उन्होंने सुनाई है,
कि माननीय मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है, तो माननीय तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने जो दरस हिंदुस्तान के हर रहने वाले वासियों को दिया है कि यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है, यहाँ के लोगों में मोहब्बत है, यहाँ के कन कन में जो है उस ऊपर वाले मालिक ने हिंदुस्तान के कन कन में जो है मोहब्बत को भरा है। तो ऐसी अजीम शख्सियत को गिरफ़्तार करना ये ना सिर्फ एक अच्छे इंसान के तौर पर, ये बहुत ही बुरी चीज़ है, और मुसलमानों के दिलों में जो घबराहट है, जो परेशानी है, उसका इजहार आज ये एहतजाज के तौर पर किया गया। और उसके साथ साथ जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी इसके ताल्लुक से काफ़ी परेशान हैं कि ऐसे बड़े गुरु को अरेस्ट करना और बगैर नोटिस दिए अरेस्ट करना, और अरेस्ट करने के बाद उनको जो है फिर 14 दिन की जो है अदालती तहवील में देने के बाद पुलिस कस्टडी में 10 दिन के लिए देना, ये नहायत ही बहुत ही अब अंधभक्तों का वाला काम डाला। मैं समझता हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जिन्होंने गुनाह दाखिल किया, बताया कि वैध और अवैध तरीके से जो है इसको धर्मांतर किया जाए, ये चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, अवैध धर्म धर्मांतर का कानून किसे कहा जाता है? यही पुलिस को मान खाली मत बजिए। जहां पर मुल्क पे तो ऐसे मामला आ रहे हैं कि खाली चेहरा दाढ़ी टोपी देखकर एक मजलूम को, एक मासूम को 50-50 गीदड़ मार रहे हैं और जबरदस्ती नारा देने लगा रहे हो, वो अवैध धर्मांतर होता है। ये तो कलीम सिद्दीकी साहब पे अवैध धर्मांतर की बात कही जा रही, ये तो कानून में ही नहीं है। अब यहां पर अब्दुल्ला साहब को भी इसी तरीके से टारगेट किया गया। उसके बाद सियासी कायदीन के ऊपर भी ऐसे हमले हो रहे हैं। आज रियासत महाराष्ट्र भर में एहतजाज हो रहे हैं, औरंगाबाद के अंदर इमाम काउंसिल और की जानिब से कराया जाएगा। कलीम सिद्दीकी साहब ऐसी शख्सियत नहीं कि ऐसे अरे गहरे आएंगे और उनको अरेस्ट करेंगे, उसमें सियासत कर लेंगे, समझे? मैं इतना ही कहता हूँ, टाइम की कमी है, माफी चाहता हूँ। मैं आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ, अल्लाह बुरी चीज़ है। तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनको किसी चीज़ की परेशानी ना होने पाए। दूसरी बात ये कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की शख्सियत वो है जो आप दरगाह में जाकर हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह के पास जाकर आप लोग इस तरह हाथ बनकर ठहरते हैं, उनके ये मुरीद है। उनका सबक जो अजमेरी साहब ने जो सबक दिया था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने यही सबक मोहब्बत का, अपनायत का दिया है। तो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के हर रहने वाले वासियों, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब इंडिया के हर फर्द, और स्त्री हो, पुरुष हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, सब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और गवर्नमेंट तक इस बात को पहुँचाएँ। फ़क्त आदाब। आदरणीय मोदी जी सरकार और योगी सरकार को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप किसी एक कास्ट के नेता नहीं हैं, क्योंकि आपको जो वोट दिए गए हैं वो सभी समाज से आपको वोट मिले हैं। लेकिन आपने जो चुन के आने के पहले वादे किए थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों का हर वक्त में तिरस्कार किया जा रहा है, मुसलमानों की छवि को गलत बताया जा रहा है, और पहले नौजवानों को टारगेट किया गया और अब उलमाओं की लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन ये संविधान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हम चाहते हैं कि संविधान के अंदर में जो भी नियम है जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हुए ये जो मनमानी कर रही है, ये हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप सभी के नेतागण हैं तो आपने जो हक है वो करना चाहिए, और इस तरीके से जो मौलाना सिद्दीकी साहब को टारगेट बनाया गया है उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो। सभी उलमा और सभी जिम्मेदार उनके साथ है, और आज जो धरने आंदोलन दिया गया पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते, कलामे पाक में लिखा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी जिसकी भी मर्ज़ी है बिना मर्ज़ी के किसी को भी मुसलमान बनाया नहीं जाता। वरना 800 साल हमारे बुज़ुर्गों ने हुकूमत की तो कोई भी दूसरे धर्म का नहीं रहता था, अगर से ज़बरदस्ती से इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सरकार को कि 800 साल जब हमारी हुकूमत रही
जब कभी जबरदस्ती नहीं की गई तो मोदी सरकार और योगी सरकार में जबरदस्ती क्यों की जाएगी। और हमारे आप सल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए और हमारे पास की जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, सभी भाईचारे से रहते हैं और गंगा जमुना तहजीब हमारे पास में है और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, लेकिन कुछ राजकीय लोग अपने फ़ायदे के लिए जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं। बल्कि इस धरने आंदोलन के तहत कह सकते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही धरने आंदोलन देते रहेंगे। इसलिए कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई जल्द से जल्द हो और कोई बेगुनाह अंदर ना जाए। और आप सबके लिए जब चुनकर आए हैं तो सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फैंसी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फैंसी LED, फैंसी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फैंसी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फैंसी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।